तो हेलो एवरीवन दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वामन मैटर्स में। मैं आशा करता हूँ कि आप सब बढ़िया हो और स्वस्थ हो। आज हमारे साथ है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के जाने माने प्रोफेसर विजय राघवन। उन्होंने बहुत मतलब 15 साल से भी ज़्यादा वक्त क्रिमिनोलॉजी और क्रिमिनल जस्टिस में, उन्हें उसमें अपना खुद का वक्त अच्छे तरीके से काम किया उस फील्ड में। और दोस्तों, तो आप सभी सोचते रहेंगे कि आज की टॉक है क्या? आज की टॉक है पुलिस, कोर्ट एंड क्राइम, इंक्लूडिंग सोसाइटी। एंड आप सोचते रहोगे कि व्हाई इज द टॉक इम्पोर्टेंट फॉर एवरीवन टू लिसन। द टॉक इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट लाइक सोचिए कि आप घर से कहाँ से बाहर जाते हो, कहाँ पे ट्रैवलिंग करने के लिए या कुछ इम्पोर्टेंट काम के लिए, तो आप सभी को लगता रहेगा कि मैं सिक्योर हूँ क्या नहीं, मैं सेफ हूँ क्या नहीं, क्या मेरी चीज़ें सिक्योर है क्या नहीं मेरे साथ। तो इन शॉर्ट, ये चीज़ें जो डील करते हैं प्रोफेशन वाले लोग अपने कंट्री में और इंस्टीट्यूशन में, उनको कहा जाता है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। और उसके ऊपर हम आज बात करने वाले हैं सर, आप सभी लोगों के साथ। तो सर मेरा, लेट्स बिगिन फ्रॉम हियर दैट एज यू आर अ सोशल वर्कर, लाइक यू हैव अ डिकेड्स ऑफ एक्सपीरियंस, तो व्हाट रोल डू सोशल वर्कर्स हैव इन आवर पुलिस, इन आवर कोर्ट्स, इन आवर प्रिजंस, एंड हाउ डू दे मेक श्योर दैट दिस थ्री इंस्टीट्यूशंस रन एज पर द प्रिंसिपल फॉर विच दे आर बॉर्न फॉर? Thank you, Rohit, for inviting me for this discussion. एक छोटा सा clarification है. I have been now associated in this field for more than 31 years, not 15 years. So अरसा गुजर गया है. Basically, जो आपका जो सवाल है कि social workers का criminal justice system में क्या role है, very important सवाल है. और इस सवाल का जो जवाब है वो जिस प्रोजेक्ट से मैं जुड़ा हुआ हूँ 1990 से, जिसका नाम है प्रयास, जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस सेंटर फॉर क्रिमिनोलॉजी एंड जस्टिस इन द स्कूल ऑफ सोशल वर्क, उसका एक फील्ड एक्शन प्रोजेक्ट है. उस प्रोजेक्ट के साथ ये सवाल और इसका जवाब काफी हद तक जुड़ा हुआ है, एटलीस्ट इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट. तो ऐसा है कि TISS में हम मास्टर्स डिग्री प्रदान करते हैं. 2 साल का मास्टर्स डिग्री होता है, मास्टर्स इन सोशल वर्क. और TISS में स्पेशलाइजेशंस हैं, मतलब विद इन सोशल वर्क अलग अलग स्पेशलाइजेशंस हैं. उसमें से एक स्पेशलाइजेशन है क्रिमिनोलॉजी एंड जस्टिस. तो जो स्टूडेंट्स आते हैं डिग्री हासिल करने के लिए, वो जो स्पेशलाइजेशन चूज करते हैं उस स्पेशलाइजेशन के हिसाब से उनकी ट्रेनिंग और उनका एजुकेशन होता है, स्पेशली इन द सीरियर ऑफ देयर वर्क. तो सोशल वर्क में जो डिग्री है उसमें एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है फील्ड वर्क, कि स्टूडेंट्स को हम फील्ड एजेंसीज में प्लेस करते हैं जहाँ पे उनकी ट्रेनिंग होती है ऑन द फील्ड. तो क्लासेस होते हैं हफ्ते में 5 दिन, और 2 दिन जो है उनका फील्ड वर्क होता है. जो क्लासरूम में सीखते हैं उसको फील्ड में एक्सपेरिमेंट करते हैं, वाइस वर्सा, जो फील्ड में सीखते हैं वो क्लासरूम में लेकर आते हैं. तो क्रिमिनोलॉजी एंड जस्टिस के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम अलग अलग क्रिमिनल जस्टिस एजेंसीज में प्लेस करते हैं, जिसमें कि पुलिस है, पुलिस स्टेशन है, कोर्ट्स हैं, लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज हैं, प्रिजन्स हैं, चिल्ड्रंस इंस्टीट्यूशन हैं, विमेन इन प्रोटेक्शन होम्स हैं, प्रोटेक्टिव होम्स हैं, इस तरह के बेगर्स होम्स हैं, और कम्युनिटी में जहाँ पे जैसे कि नोमैडिक और डिनोटिफाइड ट्राइब्स हैं, होमलेस पीपल हैं, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस में हम चाइल्ड राइट्स की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस में हम उनको प्लेस करते हैं. तो हमारी एक टीचर थी डॉक्टर सनोवर साहनी, वो इस डिपार्टमेंट में पहले प्रोफेसर थी, और उन्होंने अपना PhD जो है वो विमेन अंडर ट्रायल प्रिजनर्स के ऊपर किया था. और उनके PhD के दौरान उनको ये एहसास हुआ कि हमें जेल्स में भी विमेन, स्पेशली स्टार्टिंग विद विमेन, फील्ड वर्क शुरू करना चाहिए. तो 1985 से उन्होंने स्टूडेंट्स को वहाँ प्लेस करना शुरू किया आर्थर रोड जेल में, जहाँ की मेल सेक्शन में और फीमेल सेक्शन में. तो हर साल 4 स्टूडेंट्स को प्लेस करती थी वो,
और फिर धीरे धीरे उन्होंने पुलिस स्टेशन में स्टूडेंट्स को प्लेस करना शुरू किया, कोर्ट्स में प्लेस करना शुरू किया, और इस तरीके से उनके मन में एक आइडिया पैदा हुआ कि सोशल वर्कर्स की क्या रिक्वायरमेंट है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में किस तरह के लोग आते हैं, पहले हमें उस चीज को देखना पड़ेगा। ज्यादातर जो लोग जस्टिस सिस्टम में आके फंस जाते हैं वो बहुत ही गरीब तबके से हैं, नंबर वन। नंबर टू, वो उन सोशल कैटेगरीज से हैं जिनको हम मार्जिनलाइज सेक्शन मानते हैं, जैसे SC है, ST है, दलित्स, ट्राइबल्स, मुस्लिम्स, OBCs। अगर आप प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इंडिया रिपोर्ट देखेंगे, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक एनुअल रिपोर्ट निकलता है, उसमें आप देखेंगे कि 85% जो जेल में है वो इन कैटेगरीज से हैं, SC, ST, OBC एंड मुस्लिम कम्युनिटीज। दूसरी बात यह है कि ज्यादातर जो लोग इस सिस्टम में फंसे हुए हैं वो बहुत ही गरीब तबके से हैं, उनका फैमिली सपोर्ट बहुत वीक है। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में जब कोई आता है तो दो तरीके से आता है, एक तो या तो विक्टिम बन के आता है, जिसके साथ कोई क्राइम हुआ है या जिसके साथ कोई दुर्घटना हुई है, और दूसरा जो व्यक्ति आता है जिसे वहां लाया जाता है पुलिस द्वारा कि उसके खिलाफ संशय होता है कि उसने कुछ किया है, तो वो ऑफेंडर या अंडर ट्रायल या अलेज्ड ऑफेंडर या क्रिमिनल के पॉइंट के अलग अलग नाम से उसको लाया जाता है, उसको इन द सेंस कि उसका फॉर्मल अरेस्ट होता है। तो ये दोनों जो लोग हैं जो सिस्टम में आते हैं उनके राइट्स के लिए क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में काफी सारे लीगल प्रोविजंस हैं जो वो जिससे उनके बेसिक राइट्स जो हैं वो प्रोटेक्ट हो सकते हैं। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत फेमस जजमेंट है DK बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, जिसके हिसाब से ये है कि कोई भी व्यक्ति अगर अरेस्ट होता है तो जब पहली बार उसे प्रोड्यूस किया जाता है तो 24 घंटे के अंदर उसको मैजिस्ट्रेट के सामने खड़ा करना चाहिए, उसको अपने फैमिली मेंबर को कॉल करके इन्फॉर्म करने का अधिकार है, उसे किसी लॉयर को कॉन्टैक्ट करने का अधिकार है, उसकी मेडिकल चेकअप रेगुलरली होनी चाहिए, वगैरह वगैरह, ऐसे कुछ 10 गाइडलाइंस है। प्रॉब्लम यह है कि लोगों को इसकी जानकारी नहीं है, नंबर वन, ज्यादातर लोगों को, और जिनको जानकारी भी है फिर भी उनको उसको अपने राइट को कैसे प्रोटेक्ट करना है उसके लिए जो रिसोर्सेज की जरूरत है, जैसे आपके पास एक अच्छा लॉयर होना चाहिए, वो सबके पास नहीं होता। तो जिनके पास लीगल प्रॉपर लीगल एड जिनका अच्छा है, जिनके पास एक अच्छा लॉयर है, वो कुछ हद तक अपने राइट्स को प्रोटेक्ट कर पाते हैं थ्रू देयर लॉयर इन कोर्ट। लेकिन जिनके पास कोई अच्छा लॉयर नहीं है या लॉयर नहीं है, ऐसे लोग जो है वो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में फंस जाते हैं और फिर सालों तक उनका केस कोर्ट में चलते रहता है। उनके परिवार होते हैं, औरतों और शादीशुदा लोगों के केस में उनके बच्चे होते हैं जो बाहर हैं जबकि माता पिता जेल में है। फिर इसके अलावा जो अंदर आने के बाद जो स्ट्रेस होता है उसके वजह से मेंटल हेल्थ इश्यूज पैदा हो जाते हैं, अलग अलग किस्म की बीमारियां हो सकती हैं क्योंकि इसमें ओवरक्राउडिंग बहुत है प्रिजन में, तो कम्युनिकेबल डिजीजेस हो सकता है, स्किन इन्फेक्शंस बहुत होते हैं, इस तरह के कई प्रॉब्लम्स जो हैं जो कस्टडी में आने के वजह से होते हैं। इसी तरीके से जो विक्टिम बन के सिस्टम में आते हैं उनको भी अपने अधिकार नहीं जानकारी उनकी होती है, तो उनके साथ भी अलग अलग किस्म के प्रॉब्लम्स वो फेस करते हैं। क्या सपोर्ट उनको मिलना चाहिए, क्या नहीं मिलना चाहिए, इसकी जानकारी नहीं होती। कई बार विक्टिम को भी एक ऑफेंडर के तौर पे ट्रीट किया जाता है क्योंकि पुलिस के ऊपर काम का बहुत वर्कलोड है, अंडर प्रेशर वो काम करते हैं, पूरे सिस्टम में वैकेंसीज बहुत ज़्यादा हैं। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट एक रिपोर्ट है जो हर साल निकाला जा रहा है 2019 से, जिसमें कि जो टाटा ट्रस्ट के द्वारा निकाला जा रहा है, उसमें दिखाई दे रहा है कि 30-40% वैकेंसीज हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, पुलिस, जुडिशरी और प्रिजन डिपार्टमेंट में, तो उनके ऊपर बहुत वर्क प्रेशर है, जो उनका रोल वो करना चाहिए वो नहीं कर पाते हैं, उनका भी अलग स्ट्रेस होता है। कई बार इसका परिणाम जिनके साथ वो प्रोसेस करने का काम है उनके ऊपर उसका परिणाम आता है कि उनके ऊपर वायलेंस या किसी गलत तरीके का व्यवहार वगैरह होता है। तो इस पूरे परिवेश में एक सोशल वर्कर क्या रोल प्ले कर सकता है, उस चीज को एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमने प्रयास की शुरुआत की, जो हमारे जो एक्स फैकल्टी मेंबर हैं उन्होंने शुरू किया था। बाद में उसको एक दूसरी टीम में आगे ले जाने की कोशिश की और अभी करीब 30-35 साल से ये फील्ड एक्शन प्रोजेक्ट TISS का चल रहा है।
जो 5-6 डिस्ट्रिक्ट्स में काम करता है, करीब 7-8 जेल्स में महाराष्ट्र और गुजरात में, और बच्चों की जो संस्था है जहाँ पे बच्चे अरेस्ट होने के बाद अंदर आते हैं, चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, और रेस्क्यूड विमेन जो है कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन में, प्रोटेक्टिव होम में, उनके साथ काम करता है। मतलब विक्टिम्स भी और ऑफेंडर्स भी, एलिज्ड ऑफेंडर्स भी और उनके फैमिलीज भी। तो जो पूरे काम में से ये दिखाई दे रहा है कि हर व्यक्ति जो क्राइम करने के एलिगेशन के साथ अंदर सिस्टम में अंदर आता है, वो ऐसा क्रिमिनल नहीं है कि जो जानबूझ के प्लान करके अपने पूरे क्या कहते हैं होशो हवास में उसने वो ऑफेंस को किया है। ऐसे लोग कम हैं, सॉरी ऐसे लोग ज्यादा हैं जो जिन्होंने होशो हवास में नहीं किया है, सर्कमस्टेंशियल रीजंस हैं या कि अदर सोशल फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से वो इस दिशा में आ गए हैं। ज्यादातर लोग इसी कैटेगरी के हैं, बहुत कम लोग हैं जो जिसको आप मान सकते हैं कि उन्होंने सोच समझ के प्लान करके क्राइम में आने का डिसीजन लिया है। उसके भी कई कारण होते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो है अगर क्राइम की दुनिया में आया है या उसके साथ किसी प्रकार का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है तो उसके पीछे सोशो इकोनॉमिक साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं। लेकिन उसके बारे में अभी डिस्कशन ना करते हुए सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे बहुत सारे लोग सिस्टम में फंसे हुए हैं जिनमें एक सोशल वर्कर एक अच्छा रोल प्ले कर सकता है। ट्रेन सोशल वर्कर होना चाहिए जिसको सोशल वर्क की ज्ञान है और उसने उसकी बाकायदा ट्रेनिंग हासिल की है, और वो उनके साथ अलग अलग किस्म से रीच आउट कर सकता है, जैसे कि उनको गाइडेंस दे सकता है, उनके लिए लॉयर अरेंज करने का काम कर सकता है, उनको मॉरल सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट और काउंसलिंग सर्विसेज दे सकता है, उनके फैमिलीज के साथ कांटेक्ट करके फैमिली के साथ उसको जोड़ने का काम कर सकता है, उनके बच्चों को सपोर्ट करने का काम कर सकता है। और ये इस पूरा जो रोल है एक सोशल वर्कर का, जो कि वेस्ट में क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में एस्टैब्लिश्ड रोल है, सोशल वर्कर्स जस्टिस सिस्टम के साथ फॉर्मल तरीके से जुड़े हुए हैं कई देशों में, पर्टिकुलरली वेस्टर्न कंट्रीज में, उसी चीज को हम लोग यहाँ एक्सपेरिमेंट करके डेमोन्स्ट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। Sir, during if we look at our jails and prisons, we can see that before Corona and after Corona, how was the safety and healthy conditions of jails? Like, please say something about this. ओके, सी द मेन रियलिटी अबाउट आवर प्रिजन्स इज दैट दे आर ऑल वेरी ओवरक्राउडेड, मोस्ट ऑफ द प्रिजन्स इन स्पेशली इन बिग सिटीज एंड मेट्रो सिटीज, द ओवरऑल ऑक्यूपेंसी ऑफ प्रिजन्स इन आवर कंट्री नेशनल एवरेज इज 114%, विच मीन्स दैट इट्स 14% मोर देन व्हाट इज दी ऑफिशियल कैपेसिटी। कोई भी प्रिजन का एक ऑफिशियल कैपेसिटी होता है फॉर एक, लेकिन बिकॉज देर इज मोर नंबर ऑफ अरेस्ट टेकिंग प्लेस, सो नेचुरली द जेल हैज नो ऑप्शन बट टू एडमिट एनीबडी हु इज ब्रॉट थ्रू द कोर्ट ऑर्डर। सो टिपिकली व्हेन समबडी गेट्स अरेस्टेड, इनिशियली दे माइट बी केप्ट इन पुलिस कस्टडी एंड देन दे आर ट्रांसफर्ड टू जेल विच इज नोन एज जुडिशियल कस्टडी। तो मोस्ट ऑफ आर जेल्स आर ओवर क्राउडेड, सम आर टेरिबली ओवर क्राउडेड। सो फॉर एग्जाम्पल आथर रोड जेल इन मुंबई, द पॉपुलेशन ऑफिशियल कैपेसिटी इज 900, बट ऑन एन एवरेज यू विल हैव 2,000 to 3,000 पीपल इन द प्रिजन। सो इट इज एटलीस्ट 2 times, समटाइम्स मोर देन 3 times। सो यू विल फाइंड सच सिचुएशन इन बिग सिटीज लाइक दिल्ली और यू नो मुंबई और एनी अदर पुणे एट्सेट्रा। सो ऑलरेडी दी सर्विसेज विच आर मेंट फॉर एक्स कैपेसिटी, इट इज ओवर काइंड ऑफ ओवर दैट कैपेसिटी। सो द स्पेस दैट इज मेंट फॉर से 900 पीपल, नाउ 3,000 पीपल आर देयर, सो नेचुरली देयर इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम ऑफ स्लीपिंग और सिटिंग इनसाइड द बैरिक्स। देन द स्टाफ, देयर इज अ ऑफिशियल स्टाफ पॉपुलेशन रेशियो दैट इतने प्रिजनर होंगे तो इतना स्टाफ होना चाहिए, नो दैट इज अगेन बेस्ड ऑन द ऑफिशियल कैपेसिटी। सो इफ द स्टाफ दैट हैज बीन सैंक्शनड द पोस्ट
they are based on the official capacity, but the actual population is far more than the official capacity. So the staff is terribly overworked. On top of that, there are vacancies. Vacancies in the posts of constables, vacancies in the posts of jailers, vacancies in the posts of medical officers, paramedical staff, etc., etc. So the main problem of our prisons is the problem of overcrowding, and that too, most of them are under trials. That means they have not yet been convicted. So they are, and as per the law, they are innocent until proven guilty. 70% of under trials are, prisoners are under trials. So this is the broad reality, and therefore, naturally, there is going to be a compromise in terms of the quality of services. Even if you have a prison officer who has the best of intentions and really wants to run the prison, keeping all the standards in mind, he or she will still find it near impossible to stick to all the standards. Because the resources which are required for them to run a prison well, efficiently, as per the standards that are laid down by the prison manual. Every state has a prison manual. So that prison manual lays down the minimum conditions in which the prisoner has to be kept. So if the prison superintendent has to maintain the jail as per the provisions of the prison manual, it is going to be a challenge for them, mainly because of this problem of overcrowding and understaffing. Now, what happens after Corona? After Corona, one of the things that did happen was the Supreme Court took suo moto cognizance of this, of COVID, and a PIL was filed in the Supreme Court. And the Supreme Court asked the government what steps you have taken to ensure that Corona does not spread inside the prisons. So there has been an effort by the prison authorities to try and reduce the threat of Corona inside prisons by, you know, ensuring that, you know, basic hygiene facilities are, to the extent possible, everything is in short supply. So I'm trying to make a qualifier here that to the extent possible, things have they have tried to do what they could, but it is definitely not sufficient because, as I said, the problem is of resources, the problem is of understaffing, the problem is of overcrowding. And therefore, realizing that the Supreme Court set up, in each state, they set up a high-powered committee consisting of the chairperson of the State Legal Services Authority, the Home Secretary, and the DG Prisons, the head of the prison department. A three-member committee was set up. They were asked to identify categories of prisoners who could be released on bail because of Corona to reduce the overcrowding in prisons. So in every state, there has been an attempt to reduce this population. There has been a reduction in population. In fact, last year, the National Legal Services Authorities had released a data of more than 60,000 prisoners were released all over the country. And because of the second wave of COVID, more would have been released. So I don't have the exact figures right now, but let me tell you that thousands of people have been released either on bail or on parole. If they are convicted, they have been released on parole. If they are under trials, they have been released on bail. But arrests are taking place continuously. And for this, the Supreme Court had passed an order, which is known as Arnesh Kumar versus State of Bihar, way back in some years back, I don't remember the year now. And the Supreme Court in that case had said that if somebody is arrested in a case where the maximum sentence is 7 years or less, then such a person need not be arrested at all. The person may be framed, the charges may be framed against that person, and that person may be asked to be present in court when the case starts, because such a person is not dangerous, normally speaking, because the offense is not so serious. Because the maximum sentence is 7 years or less, it means that the offense is not so serious. And therefore, such people need not be arrested. Unless it is in the, you know, opinion of the police, this person is likely to run away or is going to tamper with the evidence or going to create problems. Therefore, they have the power to arrest. But normally speaking, they should not arrest. Now, despite this court judgment, it is not being followed properly. So even today, you are lots of prisoners
who are in prison, who are actually, as per Arnesh Kumar judgment, they should not be in prison. They should not have been arrested. So arrests are taking place. And so as long as arrests keep taking place, and arrests take place because crimes, of course, also one of the reasons crimes are taking place. So as long as arrests are taking place, even though you're releasing a number of prisoners, the numbers are also getting filled up. So therefore, definitely corona has been, could have been a boon in disguise for the system to have pulled up its socks and, you know, done things in a manner that situation could have been improved. Some places it has, because the courts have been very diligent about, in a sense, not diligent, but the courts have been very mindful of the situation in prisons. And in many states, courts have taken up suo motu PILs. In Maharashtra, for example, the Bombay High Court took up this matter, suo motu. And the Bombay High Court passed an order that all vacant posts of medical officers and paramedical staff should be filled up immediately. Because this issue was brought before the court that there is a high level of vacancies. And after the court has passed the order, about 80% of these vacant posts have been filled up. So that has definitely improved the situation as far as the health of prisoners is concerned, I'm assuming, because if the vacant posts have been filled up, then hopefully the prisoners are getting better care than what they would have got earlier. But pandemic or no pandemic, the situation of prisoners is a matter of great concern. And unless and until the policymakers decide that criminal justice system needs major overhaul and needs reforms, and we have to get resources in this area. Because generally speaking, in a country like India, our attitude is, why should we spend on prisons? Why should we spend on those who are offenders? But the important point to note is that, you know, law and order is a function of the state. And if you have a country where the law and order is smooth, then naturally people will feel safe. And also business will go on, you know, smoothly. You know, when you talk about ease of doing business rankings, criminal justice should be one of the indicators that, you know, how are the law and order situation in that state, you know, whether the crime rate has gone down, whether cases are heard and disposed of on time. You know, these are some of the indicators which should be looked at. How overcrowded is the prison? Where people who need legal aid, are they getting legal aid? Because ultimately, it's a question of, are we a country where there is rule of law? And if there is rule of law, then only we can call it a functioning democracy. And so therefore, the system has to pull up its socks and really focus and invest in criminal justice. No point in blaming the officials who are running the system as of now, because their hands are full. I'm not putting up any defense for them. But at the same time, I want to acknowledge that they are working under tremendous pressure. And there is a need to look at that aspect as well. And unless and until we have a system where, there is the resources that are required to run the system efficiently are allocated, and the laws and the rights which are there, there is enough infrastructure to implement those rights, you know, this situation is going to continue. In our country, sir, in crime, what caste, gender, religion, and stereotypes play a role? Along with, do you think that in order to prevent crime kam hone ke liye, hame sab se sab saza honi chahiye, ya kam se kam, matlab regressive punishment zyada rehni chahiye, death penalty zyada rehni chahiye, kya aur kya mindset shifting chahiye? Aapko kya lagta hai, aapke experience mein? ये एक क्विक फिक्स सॉल्यूशन के तौर पे सब लोग रखते हैं कि आप पनिशमेंट बढ़ा दीजिए, डेथ पेनल्टी ले आइए. जब कोई भयानक रेप होता है तो लोग बोलते हैं कि उसको कैस्ट्रेट कर दीजिए, उसको चकना दीजिए. आवाज आती है पब्लिक के सामने, उसको कोड़े मारिए.
पॉइंट ये है कि हम किस तरह के समाज में रहते हैं और क्या हम अपने आप को एक सिविलाइज्ड सोसाइटी मानते हैं या नहीं। और सिविलाइज्ड सोसाइटी अगर हम अपने आप को मानते हैं तो जो व्यक्ति ने कोई गलत काम किया है तो उसको किस तरीके से ट्रीट किया जाए, ये भी एक उसका एक इंडिकेटर है कि हम अपने आप को सिविलाइज्ड सोसाइटी मानते हैं कि नहीं। किसी भी समाज में उसकी जो क्राइम को डील करने का जो तरीका है वो एक इंडिकेटर होता है कि उस समाज में उनका जो लेवल ऑफ टॉलरेंस है टुवर्ड्स ईच अदर एज सिटीजंस एंड एज मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, वो उसका एक इंडिकेटर है मेरे मेरे हिसाब से। अगर आप समझते हैं कि पनिशमेंट बढ़ा देने से क्राइम कम हो जाने वाला है तो ये एक गलत धारणा है। कई सारे स्टडीज में से ये दिख के आता है कि क्राइम पनिशमेंट बढ़ाने से, हार्श पनिशमेंट होने से क्राइम कम हो जाएगा, ये कोई जरूरी नहीं है। क्राइम करने के फैक्टर्स बहुत सारे हैं, सोशल फैक्टर्स हैं, इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, इंडिविजुअल फैक्टर्स हैं, स्ट्रक्चरल रीजंस हैं, उन सब चीजों को फोकस करना पड़ेगा कि जो हमारे समाज में जो इनइक्वालिटी है, हमारे समाज में जो विषमताएं हैं, जो एजुकेशन सिस्टम जिस हद तक पहुंचना चाहिए लोगों तक वो जब तक नहीं पहुंच रहा है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो लोगों को मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में मैं नहीं ये कह रहा हूँ कि सबको आप खुले द्वार पे छोड़ दीजिए और जो मर्जी जिसको करना है, लेकिन पॉइंट ये है कि हार्श पनिशमेंट से सॉल्यूशन निकलने वाला है ये कोई इसकी कोई गारंटी नहीं है, और जितने भी स्टडीज इस विषय में हुए उसके बारे में कोई ठोस परिणाम नहीं है। नहीं तो अगर आप देख लें कि मर्डर है फॉर एग्जाम्पल, ऑलरेडी उसके लिए डेथ पेनल्टी है तो मर्डर उसकी वजह से कम नहीं हुआ ना, कि डेथ पेनल्टी तो सालों से है तो उसके लिए से कम नहीं हुआ है। डेथ पेनल्टी की वजह से क्राइम कम हो जाएगा ये मेरे हिसाब से गलत धारणा है। मेरे हिसाब से ये ज्यादातर इस तरह की जब आवाजें उठती हैं तो वो एक रिवेंज की मंशा से उठती हैं कि इंसान के अंदर जो एक गुस्सा है, द्वेष है या बदले की भावना है वहां से ये पैदा हो रहा है, और हम लोगों में वो भावना अभी तक खत्म नहीं हुआ है। हम कहते हैं कि हमारा जस्टिस सिस्टम जो है वो रिफॉर्मेशन एंड रिहैबिलिटेशन में मानता है, लेकिन ये रियलिटी में नहीं है। पॉलिसी मेकर्स में भी ये फीलिंग है कि लोगों को पनिश करना चाहिए और हार्शेस्ट पनिशमेंट मिलना चाहिए, उससे क्राइम कम हो जाएगा, ये एक पॉपुलर धारणा है। उस पॉपुलर धारणा को चैलेंज करना ही एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि अगर कोई मानता है कि इसके वजह से उनको सजा ऐसी मिलने चाहिए कि जिंदगी भर वो एक सबक बन के रह जाएगा, तो रियल डेटा ये है कि वो सबक बन के नहीं रहता है। आप देख लीजिए निर्भया के केस के बाद जो बहुत सारे कानून में चेंजेस आए हैं, लेकिन उस तरह के रेप्स अभी भी हो रहे हैं, टाइम टू टाइम होते हैं। अभी रिसेंटली हुआ है मुंबई में बहुत ही हॉरिबल ब्रूटल काइंड ऑफ रेप वेयर द विक्टिम वाज किल्ड, शी डाइड। तो ऐसे केसेस तो होते रहते हैं, उसके जो मैं उसके लिए कानून का स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन होना जरूरी है, हार्श लॉज से सॉल्व होगा ये कोई जरूरी नहीं है, मेरे हिसाब से तो नहीं है। लेकिन कानून का तुरंत इम्प्लीमेंटेशन होना, एक बार कोई व्यक्ति जो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए जो फॉरेंसिक एविडेंस होना चाहिए उसके लिए पुलिस के पास वो रिसोर्सेज होने चाहिए कि फॉरेंसिक एविडेंस कलेक्ट कर पाए, फॉरेंसिक के अलावा जो जितना स्टाफ उनके पास होना चाहिए इन्वेस्टिगेट करने के लिए वो उनके पास होना चाहिए। तो ये लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस हैं। उसके बाद जब केस कोर्ट में आता है तो जजेस का नंबर सफिशिएंट होना चाहिए कि जजेस जल्दी से जल्दी केस को सुन सके और उसमें जो भी डिसीशन हो वो डिसीशन ले सके। अगर कोई गलत डिसीशन हुआ है, कोई अपील में जाना चाहता है, तो अपील का जो प्रोसेस है वो जल्दी होना चाहिए। ओवरऑल हमारा जस्टिस सिस्टम बिल्कुल कोलैप्स के कगार पे है, तो उसको जब तक कि उसमें हम इनफ रिसोर्सेज नहीं डाल पाएंगे उसमें इस तरह के इश्यूज आते रहेंगे। ये एक आखिरी सवाल है कि आप एक क्रिमिनल जस्टिस के प्रोफेशन हो, मतलब 30 इयर्स से आप इसमें काम कर रहे हो, आपको इस
प्रोफेशन ने कैसे बदला है इंसान, आपके लाइफ में क्या पॉजिटिव चेंजेस आपने देखे, और आपको क्यों लगा बहुत साल मतलब 30 इयर्स से आपको आपको ऐसा क्यों लगा कि आपने इसी प्रोफेशन में जाना चाहिए, ये इसके ऊपर बोलिए। और आपको क्या एक आखिरी अच्छा सा मैसेज देना है सोसाइटी को, यंग पीपल को, जो आपकी तरह एक अच्छा इंसान बनना चाहते हैं चाहते जिंदगी में? कहाँ बदलाव तो आया है, ऐसा नहीं बोल सकते कि कुछ भी बदलाव नहीं आया है। लोगों में जागरूकता आई है, मीडिया में इसके बारे में कई काफी सारा लिखा जाता है। सब कुछ सही लिखा जाता है वो मैं नहीं मानता, लेकिन कम से कम लिखा जा रहा है। और इसके अलावा इन्वेस्टमेंट भी थोड़ा बहुत हुआ है। मैं अगर कोर्ट्स की ही बात करूँ तो जो हमारे कोर्ट्स में जो केसेस में टाइम लगता था पहले, जब मैंने फील्ड में काम शुरू किया था 1990 में, तो उसमें कमी आई है। उतना समय नहीं केस कंप्लीट होने में, नॉर्मल जो केस होते हैं। अभी भी कई केसेस हैं, जैसे जो टेररिस्ट अरेस्ट हुए हैं, टेरर एलिज्ड टेररिस्ट वगैरह, जो टेरर केस में UAPA वगैरह उस तरह के जो केसेस में लोग अरेस्ट होते हैं, तो कई बार ऐसे पेपर में पढ़ने को आता है कि 10 साल लग गए उस केस को शुरू होने में, फाइनल डिसीजन आने में, और बाद 10 साल के कोई व्यक्ति एक्विट होके बाहर आ गया, तो उसके 10 साल का कॉम्पेंसेशन कौन दे। तो ऐसे केसेस अभी भी है, लेकिन ज्यादातर केसेस आप देखने को मिलेंगे कि जितना पहले जितना टाइम लगता था उसमें कमी आई है। एक तो वो है, दूसरा जो हमारा लीगल एड सिस्टम है उसमें थोड़ा बहुत फर्क तो आया है कि इन टर्म्स ऑफ लोगों को जो लीगल एड मिलना चाहिए वो कुछ हद तक उसमें इम्प्रूवमेंट है, लेकिन बहुत ज्यादा स्कोप है अभी भी उसमें इम्प्रूवमेंट करने की। जो ऑर्गेनाइजेशंस इस फील्ड में काम करना चाहते हैं उसकी नंबर बढ़ी है, ज्यादा लोग अभी इस फील्ड में आने में इंटरेस्टेड हैं और इसमें कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें लॉयर्स भी हैं, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, हम जैसे जो सोशल वर्क के थ्रू काम करते हैं, हमारे जैसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो इंटरेस्ट लोगों में भी, सिविल सोसाइटी में भी बढ़ा है इस इश्यू को सॉल्व करने के लिए। लेकिन जब तक, मेरे हिसाब से जब तक इस चीज को सरकार और इंडस्ट्री इस चीज को सीरियसली नहीं लेगी, मुझे नहीं लगता है कि रिसोर्सेस इस दिशा में आएंगे। आप देखोगे कि इंडस्ट्री जब कोई क्लेम करता है यूनिफॉर्म बॉडी, तो उस पे सुनवाई होती है सरकार के। तो इंडस्ट्रियल जो इंडस्ट्रियल लॉबी है हमारे देश में, उनको जब तक ये नहीं लगता कि क्राइम एंड लॉ एंड ऑर्डर इज एज इम्पॉर्टेंट एज यू नो क्रिएटिंग अ एनवायरमेंट ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, तब तक मुझे लगता नहीं है कि सही तरीके से इसमें जो चेंजेस आना चाहिए वो आ पाएंगे। मैंने इतने साल इस फील्ड में क्यों काम किया उसका कोई जवाब नहीं है मेरे पास, क्योंकि इंसान एक प्रोसेस में शुरू होता है और फिर उसमें चला जाता है। तो मैं भी वही करते गया, और मेरे कुछ मेंटर्स थे जिन्होंने मुझे इस दिशा में पुश किया, और आज मतलब कई कई बार ऐसा होता है कि इंसान एक काम इसलिए करता है कि उसको दूसरा कुछ आता नहीं। तो अभी ये सिचुएशन मेरा भी वही है कि हमको दूसरा कुछ आता नहीं है, जो कर रहा हूँ वही आता है, तो इसलिए करते हैं। ऑफ कोर्स एक फीलिंग है कि कुछ चीजें हैं बदली हैं, उससे थोड़ा एक दिलासा मिलता है। और यू हैव टू कीप डूइंग व्हाट यू वांट टू डू, आई मीन रिजल्ट्स आर नेवर इन योर हैंड्स, यू हैव टू कीप ट्राइंग एंड कीप डूइंग व्हाट यू कैन डू एंड गेट मोर एंड मोर पीपल इन्वॉल्व। तो हमारे जो डिपार्टमेंट है सेंटर फॉर क्रिमिनोलॉजी एंड जस्टिस, उसमें जो स्टूडेंट्स आते हैं हर साल, उनमें से कई लोगों ने बहुत फैंटास्टिक काम किया है, आज भी कर रहे हैं। उन्होंने अपने खुद के ऑर्गेनाइजेशंस शुरू किए हैं, अलग अलग विषयों को लेके काम हो रहा है, कोई प्रिजनर्स के साथ काम कर रहा है, तो कोई होमलेस लोगों के साथ, डेस्टिट्यूट लोगों के साथ काम कर रहे हैं, कोई है जो नोमैडिक ट्राइब्स के साथ काम कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग TISS के एलुमनस एलुमनाई हैं जो हमारे मतलब इंस्टीट्यूट का नाम रोशन कर रहे हैं और किया है। और वही एक अपने को लगता है कि जो किया है उसका, चलो ये तो है कि आगे किसी को लेके जाना है। एक व्यक्ति या एक ऑर्गेनाइजेशन कुछ नहीं कर सकता, सबको आ जाना है। तो That's all I would like to say.
सर आपका बहुत बहुत दिल से आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूँ कि आपने आपका मूल्यवान वक्त दिया और आपने इतना कुछ बहुत कुछ कहा इतने थोड़े ही वक्त में। थैंक यू सो मच सर एंड पीपल, थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। थैंक यू अगेन फॉर कमिंग ऑन वामन मैटर। Thank you. Thank you so much for calling me and asking me to share my views. No problem, sir. Thank you so much again.